हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है मिलेट्स को जीएसटी में ना रखने की। एग्जेम्प्टिंग मिलेट्स फ्रॉम जीएसटी कैन लिफ्ट अफोर्डेबिलिटी बूस्टिंग कंजप्शन। तो बोल रहे हैं मिलेट्स को जीएसटी में मत रखो, उससे अफोर्डेबल होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सही बात है, मिलेट्स हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या बात हो रही है। विथ मिलेट्स सेट टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी, स्टेक होल्डर्स इन न्यूट्री सीरियल्स आर लुकिंग एट सस्टेनिंग एफर्ट्स टू प्रमोट दी सीरियल इन अ बिग वे। भारत बायोटेक चेयरमैन किशन कृष्ण अल्ला रेज द इशू ऑफ एग्जेम्प्टिंग मिलेट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम जीएसटी टू बूस्ट कंजम्पशन। ठीक है, कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत एफर्ट पड़ेगा, पर अपना तो स्टेट भी वेलफेयर स्टेट है तो कर सकता है। वो देखना पड़ेगा, अपने फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे। किसी के कहने से तो होगा नहीं, वो चेक करेगी अपनी गवर्नमेंट अपने प्रॉपर एक एक चीज़ को। जब तक ताई जी नहीं कहेंगी तब तक कैसे होगा। ताई जी समझ लो ना, हाँ उनकी बात कर रहा हूँ। दिस वॉज द जनरल थीम ऑफ द नाबार्ड, ये क्या लिख दिया पता नहीं, मिलेट कॉन्क्लेव 2023 हेल्ड हेयर विच सो एक्सपर्ट कॉलिंग फॉर मेजर्स टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू ग्रो मिलेट्स। हाईलाइट्स ऑल्सो इंक्लूडेड राइजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी एंड लेवरेजिंग सोशल मीडिया टू लिफ्ट एक्सपोर्ट। तो मतलब सोशल मीडिया यहाँ से इन लोग को ये एक मैसेज पहुँचा रहा है कि एक्सपो वो आपका एक्सपोर्ट्स को हटाओ, वो एक्सपोर्ट्स करने का वो करो। नाबार्ड चेयरमैन इतना जी के वी एन इंडिया टारगेट वे वॉज टू प्रोड्यूस 45 मिलियन टन ऑफ मिलेट्स बाई 2030 फ्रॉम दी 17 टन नाउ। तो अभी 17 टन हो रहा है, 45 टन इसको करना है। तो आप देख रहे हैं इंटू टू से भी ज़्यादा करना है, इंटू 2.5 कह लीजिए, इतना हमें और करना है। कितने सालों में? 7 सालों में। ठीक है, इंडिया अकाउंट फॉर 41% ऑफ ग्लोबल मिलेट्स प्रोड्यूस। मिलेट्स हैव क्रूशियल रोल टू प्ले इन दी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हिमांशु पाठक दी जी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेट मिलेट्स हैड लॉस्ट शीन विद द प्रोडक्शन ऑफ मोर राइस एंड व्हीट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्लोबल मिलेट्स आउटपुट वॉज अबाउट 100 मिलियन टन फ्रॉम ऑलमोस्ट 80 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ये बात हो रही है। अपेडा चेयरमैन अभिषेक देव सेड इंडिया वॉज एमिंग एट शिपिंग $100 मिलियन मिलेट्स बाय 2025 इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मिलेट्स एक्सपोर्ट्स टू डेट, इतना तो ठीक है। ये आप कह रहे थे इनको 25% 30% बढ़ाइए। एक्सपोर्ट फेल इंसेंटिवाइजिंग मिलेट्स फार्मर, इनोवेशन इन एग्रो मैकेनिक्स, इतना ठीक है। ड्राइवर टू बूस्ट आउटपुट कंजम्पशन, ब्रांडिंग वुड बूस्ट एक्सपोर्ट। हाँ, ब्रांडिंग करो यार अपनी चीज़ों की, पर अच्छी चीज़ें रहनी चाहिए, सिर्फ ब्रांडिंग से ही काम नहीं चलता है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च तारा सत्यवती, अच्छा तारा सत्यवती कॉल्ड अपॉन इट्स इन्वेस्टमेंट इन R&D फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन ज्वार एंड बाजरा फॉर विच देर वॉज अ ह्यूज मार्केट। डॉक्टर देवराज जेपी साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी सेड द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मिलेट्स टू स्पोर्ट्स पर्सन विच आर शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या बात हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमारे लिए मिलेट्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस साल के बजट में भी अपने निर्मला ताई ने क्या बोला है कि मिलेट्स, मतलब उन्होंने मिलेट्स तो मतलब मिलेट्स को बोला है श्री अन्न। तो मिलेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कैसे मतलब इतना श्री अन्न बोला है, हमें जानना चाहिए कि श्री अन्न मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल अन्न, ऐसा क्यों? श्री मतलब सबसे ऊंचे, ऐसा क्यों बोला गया है? और जैसे यहाँ पे हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम किसके ऊपर फोकस कर लिए, राइट और वीस के वीट के ऊपर, तो अपने जो मिलेट्स हैं थोड़े से साइडलाइन हो गए हैं। तो ये बात हुई है। और यहाँ पे देखिए एक कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता दूं कि इंडिया को बाय 2030 कितना टन प्रोड्यूस करना है, 45 मिलियन टन। और अभी इंडिया कितना कर रहा है, 17 मिलियन टन कर रहा है। कितना? टुडे, मतलब दिस ईयर, टुडे ईयर, ये प्रेजेंट में ये है, इसको इतना करना है। तो इंटू 2.5 इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। कितने ईयर्स में हमें बढ़ाना है?
अब ये तो चला ही गया, तो मान लो 6.5 साल में, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। एक यहाँ पे आपको देखिए डेटा दिया हुआ है, 41% ऑफ टोटल 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन किसके पास है? इंडिया के पास है, इंडिया करता है ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन, इंडिया करता है 41%, यहाँ पे ये दे रखा है 41% क्रूशियल रोल इतना। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाता है, मिलेट्स हैव अ क्रूशियल रोल इन नेशनल सिक्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे मतलब इसमें कि न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप देखिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए शायद श्रीअन्न बोला जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो जो हिडन हंगर होता है हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं, अगर इसको जीएसटी से हटाए, इसको रीच में पहुँचाए, जो एक पुअर से भी पुअरेस्ट पर्सन है हमारे कंट्री में वो अगर मिलेट्स अफोर्ड कर पाए तो हिडन हंगर ऑफ द कंट्री कैन बी एड्रेस्ड वेरी यू नो बहुत अच्छे तरीके से उसको एड्रेस कर पाएंगे हम लोग। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना है, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए इसके ऊपर। देखिए एक ये फैक्चुअल डेटा हो गया, एक ये फैक्चुअल डेटा हो गया, हिडन हंगर आ गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आ गई, बजट में श्रीअन्न आ गया, एंड इसके ऊपर ये किस कंडीशन में होता है इन्वायरमेंट के और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको देख लेना चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कौन से एरिया में होता है, क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के वाटर, अरे राइस एंड व्हीट ने इसको कैसे साइडलाइन कर दिया था। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।